हेलो गाइस, इट्स योर बॉय हरीश। और फाइनली आज सीरियल का नाइन्थ एपिसोड आ गया भाई। सीरीज खत्म हो गई बस यही, और इसका फाइनल एपिसोड देखो, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मतलब इसका जो रियल है ना, मतलब एंडिंग इसकी होने वाली थी वो कैसी होने वाली थी, जो मास एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं उनके जैसी होने वाली थी। लास्ट में बहुत बढ़िया वाला हमको एक्शन सीन देखने को मिलता, बहुत बढ़िया फाइटिंग होती, हल्क आता, एल्यूमिनेशन के साथ लड़ाई करता, टाइटेनिया और शेयर लड़ते, तो उनको ऐसा देखने को मिलता ना, तब उनको कुछ लोगों को मजा आता। लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारे को ऐसा मजा आया ना, क्योंकि इसकी रियल एंडिंग इस तरह से हुई, तो मैं भी बता दूँ कैसा हुआ। देखो, इस एपिसोड की पूरी स्टोरी बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है कुछ पर्सनल रीजन के वजह, जिसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ इस एपिसोड में। सबसे पहले तो शेयर को वो जेल में जा चुकी है, क्योंकि लास्ट एपिसोड उसने ऐसे ही कुछ काम किए थे, फिर उसकी जो फ्रेंड आकर उसको शेयर से छुड़ाती है, फिर वो इंटेलिजेंसी का पता लगाती है इंटेलिजेंस कौन है, और उसकी फ्रेंड मिलकर कुछ मिलाकर। लेकिन उसके बाद जो सीरियल के वो पहुंचती है मिल ब्लॉन्स के पास, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी तुमको प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाना, तो वहाँ पर जाती है। एंड उसको क्या पता था कि वहाँ पर एक प्राइवेट पार्टी चलती है, और वो पार्टी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटेलिजेंस। और हमको वहाँ पर पता चलता है कि इंटेलिजेंस का जो मेन है वो है टॉड, जो इसको हमने पहले भी देखा है, मतलब जो सीरियल उसकी डेट एड में आपको देखा होगा उसको, वही हल्किंग है एंड वही मतलब सीरम चुराता है, उसकी सीरियल का जो ब्लड है वो चुराता है। हमको जोश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन वो मतलब सीरम यूज़ करता है और हल्क बनने की कोशिश करता है, और वहाँ पर उस पार्टी के अंदर एबोमिनेशन भी होता है, और वहाँ पर हल्क की एंट्री भी हो जाती है, साथ साथ टाइटेनिया भी आती है। और इतना सब कुछ कचरा देखने के बाद सेल का दिमाग ऐसा पागल हो जाती है कि चल क्या रहा है भाई साहब, ये क्या लिख रहे हैं, मेरे सीजन का फिनाले है और ये सब दिखा रहे हैं ये लोग। वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके सीधे सीधे पहुंच जाती है एमसीयू के मेन ऑफिस के अंदर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऑफिस में पहुंचती है, और वहां पर बोलती है सीएल के रियल राइटर्स है ना, उनको बोलती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या लगा रहे हो। और पीछे वहां पर 107 108 109 एपिसोड की मतलब स्क्रिप्ट भी लिखी हुई थी, मतलब ऐसा लिखा हुआ था। एंड वो उनको बोलती कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, मेरा पूरा सीरियल का फाइनल है और आप ये सब दिखा रहे हो क्लाइमेक्स के अंदर। तो बोलते हैं कि लोगों को ये देखना पसंद है, और हमेशा हर एपिसोड की एंडिंग ऐसी ही होती है हर शो की बात, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे शो की एंडिंग में ऐसी नहीं चाहती, मेरे को इस बात करती है आपको, मैं इसको आपको चेंज करो, तो वो नहीं कर सकते ये सब कुछ ना, केविन यह करता है। अब यहाँ पर जब केविन का नाम आया तो मैंने सोचा केविन फाइगी की बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जब शेयर को पहुंच जाती है केविन से मिलने के लिए, बहुत जैसे सारे उसके सिक्योरिटी गार्ड उनको से पहलते हुए मारते हुए जब वो पहुंचती है केविन के पास, तब हमको पता चलता है कि तो पूरा एमसीयू है उसको एक बंदा है, मतलब ऐसे आदमी ऐसे नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइज, एक मशीन है, मतलब बहुत ज्यादा हाई इनहेंस्ड, मतलब एक बोल सकते हो AI है, जिसका नाम है KEVIN, जिसकी फुल फॉर्म पता नहीं क्या भूल गया मैं, उसके ऊपर टोपी भी है। मेरे को लगा केविन फाइगी होगा, लेकिन वहां पर अगर रियल में केविन फाइगी आ जाता तो भाई सीरियल की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता, लेकिन नहीं गया, वहाँ पर मशीन है। एंड वहाँ पर बहुत सारे वो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि मतलब हर एक शो के एपिसोड के मतलब एंडिंग में ऐसा ही क्यों होता है, मतलब लास्ट एपिसोड में ऐसा ही क्यों होता है, क्लाइमैक्स ऐसे डाल देते हैं वैसा ऐसा, तो वो बोलती है कि मेरे को ऐसा क्लाइमैक्स नहीं चाहिए, इसको चेंज करो। वहाँ पर हमको बहुत सारे मतलब एमसीयू के फ्यूचर के बारे में जानना पड़ता है, क्यों बोलती है कि तुमको बताओ क्या क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले तो वो मतलब टॉड के अंदर वो सीरम वाला पूरा मैटर एक बार कर दिया, कि मतलब पूरा सबसे शुरू से लेकर एंड तक चल रहा है कि सुपर सोल्जर वो सीरम है, मतलब वो ब्लड है सीएल का ब्लड मैन, उसको चुराना है, उसको क्यों चुराना है, उससे क्या बनाएंगे, उसको पूरा मतलब वो टाइमलाइन ही उसका गायब कर दिया, उसको हटा ही दिया, उसको पूरा हटा दिया, पूरा उस ब्लड का कोई मतलब नहीं है, टॉड उस मतलब कुछ भी नहीं बनने वाला। सेकंड जो एमिल ब्लॉन्स की है वो एब्यूनेशन वो फिर से बन गया, अभी एब्यूनेशन जो कि नहीं बनना चाहिए था मतलब उसको, तो उसके लिए उसको सॉरी बोलना पड़ा, 30 साल के लिए उस जेल में भी जाएगा। तो ये वाला उन्होंने मतलब चेंज कर दिया लाइफ में, और हल्क को तो पूरा गायब कर दिया, टाइटेनिया भी वहाँ पर थी लेकिन उसको भी मतलब ऐसे मूड चेंज कर दिया, और सबसे मेन बात कि डेड डेविल को भी मतलब इसके अंदर पूरा सीएल के साथ एड कर दिया, कि डेड डेविल भी अब सीएल के साथ देखने को मिलेगा हमको बहुत ज्यादा टाइम, मेरे को लगता है डेड डेविल बोर्न अगेन में भी देखने को मिलेगा, स्पाइडरमैन 4 के अंदर भी सीएल को देखने को मिल सकती है। एंड सबसे मेन बात जब हल्क हटा रहे थे, हल्क को मतलब उस टाइमलाइन से मतलब क्लाइमेक्स हटा रहे थे, तब बोलता है कि हमको हल्क को यहाँ पर डालना जरूरी था ताकि वो बता सके कि सरकार पर क्या हुआ था। एंड तब वो बोलती है वो सब मूवी के बारे में बता देते हैं, तो वो मूवी के अंदर चलता रहेगा। सीएल को भी बड़े पर्दे पर देखने की बात हुई यहाँ पर, और एक्समैन के बारे में भी उसे पूछा था लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। तो कुल मिलाकर ये एपिसोड है ना बहुत ही ज्यादा मिड था, मतलब ऐसे यूनिक तो था लेकिन परफेक्ट नहीं था, बहुत बढ़िया नहीं था, यूनिक एपिसोड बोल सकते हो कि ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। एंड मिड के सीन में हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा वोंग है वो आता है फिर से, और एमिल ब्लॉन्स की मतलब अभिमंसन को उस जेल से छुड़ाकर चला जाता है कमरताज। अब क्यों ले गया, क्या होगा, वो हमको आगे आने वाली मूवीज में देखने को मिलेगा ज्यादा उसे। मेरे को मैं बोलता हूँ सीरीज बहुत ज्यादा मिड है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिटकॉम है और सबको पसंद नहीं आने वाली, इसको तो बिंज वॉच करना चाहिए, और मेरे को लगता है जिन्होंने नहीं देखी जाके बिंज वॉच करो, मजे लो भाई, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, आप मेरे को पता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।